पावर शो तो बहुत अच्छा है, आवाम यहाँ पर जमा हो गई और आवाम ने दिखा दिया कि वो जो है अपने हकूक के लिए बाहर निकल सकती है। के इलेक्ट्रिक ने अभी आपको एक याददाश्त भी, आपने उनको एक याददाश्त पेश की, आपको क्या लगता है कि आज के इस धरने का कितना फ़ायदा हो सकता है? जो लोग हमें जानते हैं उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हम जेन्युइन लोग हैं और जेन्युइन ये लोग जेन्युइन हैं, कराची के लोग, और उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। अगर इन मसाइल पे तवज्जो नहीं देंगे, इनके मसाइल को कॉन्क्रीट तरीके से हल नहीं करेंगे, तो वो अपने लिए मुसीबत क्रिएट करेंगे, हुक्मरान अपने लिए मुसीबत क्रिएट करेंगे। अब लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो एक एक करके नहीं मरेंगे, लोग अब एक एक करके नहीं मरेंगे, लोग अब निकल आए हैं, उनको इन्हें पहले कोई गाइड करने वाला नहीं था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आवाज़ पे कराची के लोगों ने लब्बैक कहा है। हमारे मसाइल, कराची का मसला, बिजली का मसला मसनू है, आर्टिफिशियल है, ये और अपने पैसे बचाने की, चूँकि ये शंघाई कंपनी को बेच दी गई है 200 अरब रुपये में, ये आगे फ्यूल के पैसे नहीं दे रहे, LNG पे नहीं चला रहे, फ्यूल पे उसमें नहीं चला रहे, फर्नेस पे नहीं चला रहे, डीजल पे नहीं चला रहे। 350 मेगावाट आज अभी एक घंटे में ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करें, नंबर वन। नंबर टू ये कि कराची में नेपरा ने 3.50 रुपये बिजली के नर्ख को कम करने के लिए ऑर्डर्स जारी कर दिए। जब 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 के इलेक्ट्रिक को बढ़ाने के लिए कहते हैं पैसे तो फ़ौरन बढ़ा देते हैं, जब उन्होंने कहा कि कम करो तो जाकर स्टे ऑर्डर लेकर आ गए। 2 साल पहले से 75 अरब रुपए जायद कराची वालों के जेबों से बिजली के मद में ले चुके हैं। मेरा ये मुतालबा है कि शंघाई कंपनी को बेचने से पहले हुकूमत पाकिस्तान इंटरवीन करे, इसको टेक ओवर करे और एक को नहीं 5 लोगों को ये लाइसेंसेस दे, ताकि लोगों के पास ऑप्शन हो और ये मोनोपोली